हेलो एवरीवन, टुडे अपना टॉपिक है विटामिन बी बी थ्री। विटामिन बी केमिकल नेम है इसका नियासिन। नियासिन क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। नियासिन इज जनरल टर्म ऑफ निकोटिनामाइड एंड निकोटिनिक एसिड, होता है सिंपल डेरिवेटिव ऑफ पाइरविडिन। ये क्या है? ये वन ऑफ टर्म मोस्ट ऑफ स्टेबल विटामिन है। ये क्या है? बी थ्री है, क्या स्टेबल विटामिन है। डाइट रिसोर्स की बात करें, डाइट रिसोर्स नियासिन इज फाउंड इन वेराइटी ऑफ फूड। फूड में मोस्टली मिलता है। फूड में किस में? एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे लाइक मिल्क और अंडे, एग्स अंडे में, पोल्ट्री मुर्गी पालन में, फिश बीफ, फ्रूट्स में मिलता है और वेजिटेबल्स में मिलता है। और सीड्स के अंदर देखें तो ग्राउंड नट के अंदर और आलमंड्स बादाम के अंदर, होल सीरीज दाढ़े पल्सेस के अंदर मिलता है। रिकमेंडेड डेली अनाउंस की बात करते हैं इसकी, तो इन्फेंट के लिए 0 से 6 मंथ 2 mg पर डे देते हैं और 7 से 16 मंथ के लिए देते हैं 4 से 4 mg पर डे देते हैं। नेक्स्ट चिल्ड्रन की बात करते हैं, चिल्ड्रन के 1 से 3 ईयर तक बच्चों को देते हैं 6 mg पर डे और 4 से 8 ईयर के बच्चों को देते हैं 8 mg पर डे के हिसाब से देते हैं और 9 से 13 ईयर की उम्र के लिए 12 mg पर डे। एडोलसेंट की बात करें, एडल्ट के लिए बात करते हैं, मेल के लिए 14 mg पर डे और उसे ओल्डर एज में 16 mg पर डे के हिसाब से देते हैं। फीमेल की बात करें 14 mg पर डे हिसाब से और ओल्डर की एज की बात करें तो 14 mg पर डे। डिफिशेंसी कौन कौन से डिजीज, मोस्टली पेलिग्रा देखने को मिलता है। पेलिग्रा मतलब सीवियर डिफिशेंसी कोज्ड बाय डिक्रीज इनटेक ऑफ नियासिन। बहुत ही ज़्यादा इनटेक नियासिन लेने से पेलिग्रा हो जाए। पेलिग्रा में 4 DS सिम्टम देखने को मिलते हैं, ड्रमेटाइटिस, डेमेंशिया और डायरिया देखने को मिलता है। ड्रमेटाइटिस मतलब है क्रैक्ट स्किन ऑफ पिगमेंटेड स्किन, ड्रमेटाइटिस और स्किन क्या है क्रैक्ट हो जाती है। और डिमेंशिया का मतलब है इन्वॉल्व सीनस है वो डिप्रेस हो जाता है, कन्फ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, टाइम पैलेस और मतलब डिसोरिएंटेड हो जाता है एंड न्यूरोटाइटिस हो जाता है। डायरिया अंदर अदर डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। साइंस सिम्टम की बात करें, साइंस में क्लिनिकल फीचर लॉस ऑफ वेट है इसका, क्या होता है लॉस हो जाता है, डायरिया हो जाता है और मेंटल चेंजेस के अंदर नोट इन प्रेजेंट माइल्ड डिफिशेंसी, बहुत ही कम डिफिशेंसी अंदर ये मेंटल मेटल स्टेट चेंज होता है। ड्रमल लीजन के अंदर अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी देखने को, मोस्टली देखें तो नेक के अंदर लीजन देखने को मिलता है, नेक के अंदर, उसको कहते हैं नेक लैक बोलते हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं इसके सिम्टम कॉन्टेक्ट की बात करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चेंजेस के अंदर क्या कहते हैं? द म्यूकस मेम्ब्रेन इज इन्फ्लामेटेड रिजल्टिंग द सीवियर ग्लोसाइटिस हो जाता है, मतलब कॉर्नियर अल्सर हो जाते हैं, स्टोमेटिस इन्फेक्शन हो जाता है, इसोफेजाइटिस और इन्फ्लामेशन हो जाता है। कैन प्रोड्यूस ब्लडी, ये क्या कोज होते हैं, क्या होते हैं ब्लडी डायरिया देखने को मिलते हैं। और न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में हायर मेंटल फंक्शन डिक्रीज्ड इन द पेलिग्रा इंसोमेनिया और नींद के अंदर कमी हो जाती है। ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट पेलिग्रा कैन बी कर्ड बाय द गुड डाइट कंटेनिंग, गुड डाइट एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन लो, प्रोटीन लेते हैं और प्रोटीन के अंदर बी कॉम्प्लेक्स बी टैबलेट ले सकते हैं। और मॉडरेट सीवियर के अंदर रिक्वायरमेंट है निकोटिनिक एसिड की टैबलेट, डोज देते हैं 100 से लेकर 300 mg पर डे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।